क्या नाम है? संजय दत्त। किसका बेटा है? सलमान खान का। सलमान खान का बेटा संजय दत्त कैसे? की नाड़ियाँ पकड़ते हैं, कलेजे की नाड़ियाँ और सारे टांगों की नाड़ियाँ, पूरा शरीर ग्रहण कर रखा है, बालों से लेके पूरा पंजों तक जमा हो गया। ताकतवर है बहुत ज्यादा, गणंत भी है, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया और यंत्र, तीनों चीज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुर प्यारे हो, अजकल की दुनिया के बहुत सारे ढोंग अडंबर होंदे हुए वेखे होणगे, ते कुछ अजिहियां दुकानदारियां भी सरेआम थां थां ते खुल्लियां होईयां नज़र आंदियां ने, जो दावा करदे ने कि लोकां दे विचों ओह भूत प्रेत बाहर कढ़दे ने, माड़ियां आत्मावां तों लोकां नूं छुटकारा दिलवांदे ने, पर भोले भाले लोग बेचारे ये कित्थों समझ लैण कि असल भूत रंग बिरंगे चोले पा के समाज के थां थां ते दुकानदारियां खोल के बैठे ने, जो कदी तुहानू भूतां दे नाम ते प्रेतां दे नाम ते डराउंदे ने, धमकांदे ने, ते कदी तुहानू कर्मकांडां दे चक्कर दे विच पा के तुहाडे खून पसीने की कमाई हेठ जांदे ने। आओ एक अजिहे ही महापुरख के दर्शन करवाने आ, जिस दे कोल एक व्यक्ति पहुंचा जिस दे अंदर आत्मा छाला मार रही है, जो बनना चाहती सी फिल्म स्टार, पर उस तो पहला ही उह बेचारी हुई दुनिया तो पार। पर जिस बंदे दे अंदर यह आत्मा आई, हुण तुसीं आप ही अंदाजा ला लो कि यह सच्ची आत्मा आई है या फड़ के सिरे का कोई एक्टर बिठाया है, जो अपने आप नूं संजय दत्त दस रहा है, तो संजय दत्त का बाप सलमान खान दसी जा रहा है। क्या नाम है? संजय दत्त। किसका बेटा है? सलमान खान का। सलमान खान का बेटा संजय दत्त कैसे? फिल्मों में रोल करेगा? किसकी फिल्म में रोल करेगा? संजय दत्त की। मैं कौन सी फिल्म संजय दत्त की देखता है? प्रीतम क्या है भैया को? आदमी प्रेत है, ताकत पर एक और इसका साथ है, लेकिन वो करीम खान जी ने पकड़ के बंद कर दिया होगा, लेकिन ये ऐसी कैसे है, शरीर में, शरीर के साथ चिपक के रहता है 8 साल से, लेकिन है घर में कम से कम 25 सालों से। तो ये कुछ कटा है, कुछ क्रिया हुई है, आपकी क्रिया हुई है कोई? क्या कलेजे की नाड़ियाँ और सारे टांगों की नाड़ियाँ, पूरा शरीर ग्रहण कर रखा है, बालों से लेके पूरा पंजों तक जमा हो गया। ताकतवर है बहुत ज्यादा, गणंत भी है, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया और यंत्र, तीनों चीजें। गणंत मंगा, तंत्र मंत्र यंत्र भस्म करा, जिस तांत्रिक ने भेजा उसकी सारी सिद्धियां नष्ट करा, ठीक है। हम बजा सका। क्या नाम है? संजय दत्त। क्या नाम है? संजय दत्त। क्या? संजय दत्त। फिल्मों में काम करेगा? संजय दत्त तो सुनील दत्त जी के बेटे हैं। तू किसका बेटा है? क्या नाम है? संजय दत्त। अरे नाम क्या भाई? संजय दत्त। सही में संजय दत्त नाम है इसका? ऐसे मत ले रहा है। क्या नाम है इनका? कृष्णा। मैं कह रहा देवता जाएंगे। देवता कहाँ से जाएंगे? संजय दत्त नाम थोड़े ना है। मैं कह रहा हिली नहीं रहा। क्या नाम है? संजय दत्त। कैसा है भाई? क्या नाम है? लंबू दादा। लंबू दादा कौन है? तेरे पापा? और तेरे गांव से है? अच्छा, ये फिल्मों में रोल करते हैं? फिल्मों में आकर मजाक करे। हाँ मजाक करे। मजाक कर रहे हैं, फिल्मों में रोल करते हैं? हाँ यूट्यूब का। यूट्यूब? अच्छा, यूट्यूब की फिल्मों में रोल करते हो? छोटी मोटी नहीं, कॉमेडिया। कॉमेडिया? तो ये क्या है? क्रिया कितनी कराई आपने? 5 क्रिया। 5 क्रिया कराई। आपको पता था आपको ऐसी समस्या है? कितने दिन से भटक रहे हो?
मतलब फंसी थी सांस, मतलब शरीर में, घर में, मतलब कौन आलबिन भी फेंकी करी। और वैसे मैं बहुत परेशान हुए पड़े हूँ, बहुत लंबे समय से परेशान। हाँ, जो रेलवे फाटक है कहीं दिखाया नहीं था, दिखा दिया मैं, कोई भी दान फ्री बांधना सके मैं तो माँ बापा को मार दिया, मतलब बहुत नुकसान कर दिया इसने। कोई भी तांत्रिक ना बांध सके इसको, कोई भी नहीं बांध सके। तो जो भी नाम ले संजय दत्त ही बोलता है नहीं, ये तो जो मेरे अंदर भावना छुपी हुई है ना उनको निकलवाता है। अच्छा, जो आपके अंदर भावनाएं छिपी हुई है उसको बाहर निकलवाता है क्रोध क्रोध के। हाँ, मतलब मन पे सवार हो जाता है, आपके मन की इच्छाएं पूर्ति करता है ऐसे। तो ये आपको दर्द करता है पूरे शरीर में? करते हैं, मैं गांठ बना दी है। ये ऊपर निकली हुई है, क्या नाम है? संजय दत्त। किसका बेटा है? भूल गया किसका बेटा, किसका नाम, किसका बेटा है? नाम मुकेश है। हाँ, मुकेश नाम है ना, मुकेश नाम है। कहाँ रहते हैं मुकेश? बॉम्बे। बॉम्बे में रहते? बॉम्बे में रहते। नाम क्या है? मुकेश। बॉम्बे में रहते हो? और दिखाओ ना। ये कहाँ पड़ता है? दिखाना पड़ता है अपने नए गए बालाजी। हाँ, बालाजी के पास में रहता हूँ। क्या हो रहा है तुम? तो देखता है नीचे से साफ कर। गंदी चीज है मेरे शरीर के अंदर, गांठ वांठ बना दी और ठंडे भारी तीन दिन दर्द है। तीन थे तीन? हाँ, तीन थे तीन दुख दे रहे थे। तेरी भावना को ऊपर लेके आते हैं, नाम बताते हैं संजय दत्त पिता का नाम बताओ। मुंबई में हीरो बना दूंगा तुझको। क्या कहता है? मुंबई में हीरो बना दूंगा। लेके अच्छा ही मर रहा होगा भैया। हाँ, ये एक्टिंग करता करता मरा होगा। नहीं, इसको रोल नहीं मिलेगा। रोल नहीं मिला इसको, हीरो की इच्छा लेके मरा ये। आ गया समझ में? अरे ऊपर आ। क्या नाम है? संजय दत्त। बाप का क्या नाम है? सलमान खान। संजय दत्त को तो सभी जानते हैं, उनके पिता का नाम है सुनील दत्त। क्या नाम है? सलमान खान। रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर पाया मेरा बच्चा। अब बना दूंगा तुझे फिल्मों के एक्टर। हैं? रो क्यों रहा है रे? एक्टिंग में रोल नहीं मिला तेरे को, हैं? तू इस पे आ गया। 40 साल का था, एक्टिंग करना चाहता था, एक्टिंग सीखना चाहता था। अरे फिल्मों में रोल नहीं। हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है? नाम 25 सालों से रहता है। सबको, सारी महिलाएं बीमार सौ घर में 24 घंटा लड़ाई झगड़ा रहता है, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा कराता है। बच्चे भी ऐसे, बच्चों को परेशान करता है, बीवी परेशान रहती है, मेल बना देता है सबको घर में, सबको तोड़ देता है। गंदा प्रेत है। मेरे साथ में मतलब कोई मेरा साथ नहीं लग रहा है, ना तो घर वाले लग रहे, ना रिश्तेदार, बस अकेला ही आता हूँ। सबको परेशान कर दिया इसने, सबने साथ। माँ बाप लगे थे, माँ को मार दिया, बाप को मार दिया इसने। मतलब जो आपकी मदद करता है उसी को रास्ते से हटा देता है। हम देखते हैं, प्रीतम बताओ अब क्या हुआ? नीचे से पैर साफ हो गए। नीचे से पैर साफ हो गए, पैर भी कट गए उसके। ठीक, गुरुप्यारे अंत तक कोई गल कहनी चाहेंगे। अजिहियां बहुत सारिया वीडियोज असीं पहला भी नशर कीतिया ने जो ढोंगा पखंडा तो पर्दा चकदियां ने, ते साडा फर्ज़ बनता है कि असीं अजिहियां वीडियोज जदों भी वेखीए तां उस दी तह तक जाण दी जरूर कोशिश करिए, क्योंकि अजिहियां बहुत सारिया दुकानदारियां लोकी खोल के बैठे हुए ने जो लोगों नूं वहमां भरमां दे विच पा के उन्हां दी खून पसीने दी कमाई एटदे ने।
ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਬੋਧੀ ਹੋ, ਜੈਨੀ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਤੀਗਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋ ਧਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦਹਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਢੋਂਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਭਜਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਪਿਸ਼ਾਚ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।